फिर से एक बार देख लेते, रिवीजन कर लेते। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। ये इसमें जो हेक्सा ब्लेड होती है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है वो हेक्सा ब्लेड है। उसमें ये हिंज पिन लगा रहता है जिसको हम फंसाते हुए उसमें यहाँ पे विंग नट दिख रहा है जो हम उसको क्या करते हैं हाथों की मदद से टाइट करते हैं। और ये हुआ हेक्सा फ्रेम के प्रकार के बारे में। हेक्सा फ्रेम में सॉलिड हेक्सा फ्रेम देखे थे, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम देखे थे, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम देखे थे। और इसमें अगला देख लेते हेक्सा ब्लेड में। तो हेक्सा ब्लेड का जो मटेरियल देखते हैं, तो मटेरियल हो गया हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का था। अगला लंबाई 200 से 250 और 300 mm का था, और चौड़ाई जो थी 12 से 16 mm तक थी, और मोटाई जो थी 0.6 से 0.8 mm थी, और इसका जो HRC था 59 से 62 HRC था। और इसमें पिच के आधार पर पहला था कोर्स पिच, दूसरा मीडियम पिच, तीसरा फाइन पिच, चौथा वेरी फाइन पिच।